गायत्री विचार समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुल्तानपुर जनपद के दृष्टिकोण क्लासेस में। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं दृष्टिकोण क्लासेस के डायरेक्टर डॉक्टर संजय द्विवेदी जी, जिन्होंने 5-6 जनपदों में अपना परचम लहराया है, 2 स्टेटों में अपना परचम लहराया है, बच्चों का दिल जीता है, उनका भविष्य बनाया है। आज हमारे साथ मौजूद है, कुछ खास बातचीत करेंगे और बताएंगे इनकी दृष्टिकोण कोचिंग के अपने को दृष्टिकोण कोचिंग के बारे में कि आखिर इनका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य को लेकर के आखिर हर जनपदों में अपनी कितनी नई नई ब्रांचें डाल रहे हैं। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। मैं, हमारा निजी जनपद है सुल्तानपुर, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ और संयोग से प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी हमारी यहीं की, उसके बाद इलाहाबाद, JNU, BHU और फिर ये सफर लगातार चलता ही चला जा रहा है। और मैं यह संस्थान सिर्फ ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों को प्रशासनिक पदों पर ले जाने के लिए ही खोल रहा हूँ, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि में हमारी बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं। ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर टैलेंट तो होता है, लेकिन वो उस टैलेंट को उभार नहीं पाते हैं क्योंकि पास पैसे नहीं होते हैं, दिल्ली नहीं जा सकते हैं, प्रयागराज नहीं जा सकते हैं। अगर एक बार फीस अफोर्ड कर लिया तो वहाँ रहने का खर्च नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो उनके लिए उनके घर में उनके पास दृष्टिकोण की युवा टीम लेके आ रहा हूँ, जो दिल्ली में भी सेवा देती है, प्रयागराज में भी सेवा देती है, अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़ में भी सेवा दे रही है। और मैं चाहता हूँ कि सुल्तानपुर का युवा बच्चा जो सिविल सर्विसेज के सपने देख रहा है या वनडे एग्जाम्स के सपने देख रहा है, वो यहाँ पर आकर के और अपने सपनों को पूरा कर सके। और यहाँ पर हम बच्चों के साथ वही सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं, जैसे हम क्लास नोट्स देते हैं, हम बच्चों को उसी प्रारूप पर टेस्ट सीरीज कराते हैं, अलग अलग एग्जाम्स के की अलग अलग टेस्ट सीरीज कराते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर हम जाते हैं। अगर किसी बच्चे का क्लास छूट गया कि क्लास छूट गई, तो हम उसके लिए वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल करवाते हैं कि बच्चा घर पर रह करके भी स्टडी कर सके। पूरे उत्तर प्रदेश के गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में एक कोचिंग संस्थान जरूर स्थापित करूंगा, यहाँ का बच्चा अपने घर में रहते हुए सिविल सर्विसेज, वनडे एग्जाम्स या टीचिंग जॉब के लिए कुछ ना कुछ जानकारियां हासिल कर सके और शिक्षा प्राप्त कर सके। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने अपने सेंटर को दिल्ली, प्रयागराज के बाद प्रतापगढ़ जिले में लालगंज, अजहरा और जलेश्वरगंज में, उसके बाद फिर जौनपुर जिले में, बदलापुर में, फिर अयोध्या में और आज आपके सामने सुल्तानपुर जिले में स्थापित कर रहा हूँ। साथ साथ आपको ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारा खुद का अपना निजी